हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद अच्छे होंगे। तो चलिए ना ट्राई करते हैं। आज मैं जा रही हूँ ग्रीन गोभी की सब्ज़ी बनाने, जो काफ़ी टेस्टी और यम्मी होता है। इसे ब्रोकली भी बोलते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मटर कुछ लिए हैं, कुछ मसाले हैं, जीरा, मरीच, लहसुन, अदरक को मैं ग्राइंड कर लूँगी। यहाँ टमाटर है, मैंने एक ले करके कट किया है। धनिया की पत्ती है गार्निशिंग के लिए। आप देख सकते हैं मैंने दो प्याज को कट कर लिया है। आप इधर पानी गर्म कर लें गैस ऑन करके, उसमें आप ब्रोकली को डाल करके अच्छे से उसे उबालें। उबाल करके उसे अच्छे से छन्नी की सहायता से आप इसे छान लें। इधर आप देख सकते हैं मैंने गैस भी ऑन कर दिए हैं, जिससे आप उबले हुए आलू भी ले सकते हैं। इसमें मिक्स करने के लिए मैंने आलू को अच्छे से छील लिया है। यहाँ जीरा मैंने थोड़े से लिए हैं। कढ़ाई गर्म हो चुका है, आप उसमें थोड़े से 1 से 1.5 चम्मच के लगभग तेल डालें, और उसमें तेल जब गर्म हो जाए तो उसमें जीरा डालें। जीरा और मैंने एक लाल मिर्च लिया है, इसे कट करके आप अच्छे से तरकने दें दोनों को। जब अच्छे से तरक जाए उसके बाद में आप प्याज डाल करके उसे हल्का सा भूनें, भून जाए प्याज और गोल्डन हो जाए, उसके बाद में आप इसमें ब्रोकली डाल करके उसे अच्छे से आप ब्रोकली डालें, या उस पहले आप मटर टमाटर डाल करके अच्छे से उसे मिक्स करें और अच्छे से भूने। भूनने के बाद इसे गलने के लिए आप नमक इसमें अभी आप 1 से 1.5 चम्मच के लगभग ऐड कर लें और इसे अच्छे से गलने दें, हल्का सा भून जाए। उसके बाद में आप इसमें ब्रोकली डाल करके उसे अच्छे से आप देख सकते हैं। इधर मैंने आलू भी हाथों की सहायता से तोड़ लिए हैं, आप चाहें तो चक्कू से भी कट कर सकते हैं। इधर ब्रोकली भी भुन गया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से बराबर से चलाते रहे और धीमा फ्लेम रखें, बिल्कुल तेज़ फ्लेम ना करें, नहीं तो जल जाएगा और अच्छे से पक नहीं पाएगा और भुन भी नहीं पाएगा, जिससे सब्ज़ी स्वादिष्ट नहीं हो पाएगी। इस तरह से मैंने, आप देख सकते हैं, मैंने आलू भी इसमें ऐड कर लिया है। अब आप इसमें जो लहसुन अदरक का मैंने जो पेस्ट बनाए थे उसे आप इसमें ऐड करें और मिक्स करें। कुछ सूखे मसाले भी आप इसमें डाल दें, जैसे हल्दी पाउडर आप 1/2 चम्मच के लगभग डालें, इसमें लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच के लगभग डालें। नमक स्वादानुसार मैंने पहले ही ऐड कर दिया है, और आप इसमें गरम मसाला, सब्जी मसाला सबको अच्छे से ऐड करें। ऐड करके अच्छे से सबको मिलाएं, ऊपर से आप धनिया की पत्ती से डाल करके अच्छे से मिक्स करें, जिससे धनिया की पत्ती भी अच्छे से पक जाए। सब मसालों को अच्छे से आप भूनें और अच्छे से पकाएं। और आप इसे अगर ग्रेवी वाली चाहिए तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर दें, नहीं तो इसमें इतनी पर्याप्त पानी छूट जाती है, जिससे आप ये सब्ज़ी अच्छे से पक जाए। धीमा फ्लेम ही रखें या ध्यान में रखें। और धनिया की पत्ती डाल करके आप गार्निशिंग भी कर सकते हैं ऊपर से। 2 से 3 मिनट के अंदर में ये सब्ज़ी बन करके तैयार हो जाती है। बीच बीच में आप इसे उलट पलट करके अच्छे से इसे मिक्स करके चलाते रहें, ताकि ये अंदर से जले ना। और आप इसे पूरी पराठे के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और यम्मी और पौष्टिक तो इतनी होती, क्या बताऊँ। आप लोग प्लीज़ इसे बनाएं।